गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? मैं इस समय अभी हूँ मदुरई स्टेशन पे और मेरी ड्यूटी लगी है स्ट्रेट लेकर लोअर रोड तक जाने की। मैं अभी फिलहाल ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, देखते हैं ट्रेन कभी आएगी। तो ट्रेन अभी आ रही है, उसी में बैठ करके मुझे चला करके फिर इसको अलवा रोड तक ले करके जाना है। गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर लाइक अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। हेलो हेलो, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चलाने जा रहे हैं मदुरई स्टेशन से अलवा रोड की तरफ ये ट्रेन को, जो कि अभी प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। ट्रेन का ब्रेक लग चुका है, अभी हम पैसेंजर्स को उतरने के लिए इसके दरवाजे को खोल दिया है। सारे पैसेंजर्स लोड हो जाएंगे अभी ट्रेन में। तो चलिए हम लोग अपने लोकोमोटिव में जा कर के देखते हैं कि वहाँ पे कैसा नज़ारा है। गाइस, हमको येलो सिग्नल आ चुका है और ज़रा जा कर के देख लेते हैं कि हमारे पैसेंजर्स लोग सब ट्रेन में बैठ चुके हैं कि नहीं। गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंतिम तक देखिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। चलिए, हमारा करने का समय हो गया है। उससे पहले एक क्रॉसिंग देख लेते हैं। यहाँ पर एक फ्री ट्रेन हमको क्रॉस करने वाली है गाइस। वाओ, एकदम रियल वाली फीलिंग गाइस। इसमें डबल इंजन लगा हुआ था। हालांकि इसके कंपार्टमेंट में कुछ है नहीं, बिल्कुल खाली फ्रेट ट्रेन जा रही है। मेरे ख्याल से शायद बाद में लोड हो गया है। चलिए, हम लोग थ्रॉटल को थोड़ा सा ब्रेक को रिलीज करते हैं, थ्रॉटल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो ट्रेन में। ट्रेन हमारी चल चुकी है गाइस। गाइस, ये इंजन बैप 4 है, हालांकि अभी ये बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने बताया, ये हम अलवा स्टेशन पर है। ये हमारा विंडो व्यू
आप देख सकते हैं कुछ कुछ पैसेंजर लोग ने इस ट्रेन से यात्रा करना जरूरी नहीं समझा, शायद किसी और ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। हैप्पी कपल गाइस। फोन का आवाज बहुत ही अच्छा है। तो ये है ब्रिज का सीन के, बहुत बढ़िया सीन, एकदम रियल। हमारे लोकोमोटिव के पीछे एक मेल कंपार्टमेंट है, मेल यानी डाकघर वाला। गाइस हमारी ट्रेन की स्पीड है 51 किलोमीटर पर आवर। थ्रॉटल को मैंने 40% पर रखा हुआ है। अगला स्टेशन हमारा अंगमलाई होगा जो कि 8 किलोमीटर में आएगा। और ब्रिज आ रहा है गाइस, चलिए थोड़ा सा विंडो का भी मजा ले लेते हैं। गाइस आपने कभी सफ़र किया है अलुवा रोड और अंगमलाई के बीच में? अगर किया है तो कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइए कि आपका जर्नी कैसा था और कैसा आपका एक्सपीरियंस था। तो टूर व्यू कैसा है गाइस, कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। मौसम के हिसाब से ये बारिश का मौसम है और बारिश कभी भी आ सकती है। ओके, तो हम एक स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त। स्टेशन का नाम मैं शायद पढ़ नहीं पाया, वापस से ट्राई करते हैं। जो शिट मिस हो गया गाइस। शायद यहां से हमें नाम दिख जाए। ओ फिर से मिस हो गया। और ब्रिज, इस रूट में ब्रिज बहुत है गाइस। चलो अपने लोकोमोटिव में चलते हैं। ये क्रॉसिंग आ रही है। उप्स, छोटा सा ब्रिज वापस से हम बाईपास हो रहे हैं उससे। आजू बाजू बहुत ही ग्रीनरी है। ये जो रूट है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये केरला वाला रूट है जो मैं देख रहा हूँ, ये वर्जन 1। ये रूट मैं अक्सर खेलता हूँ क्योंकि इस रूट में
ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और ऐसे ब्रिजेस और जो भी स्ट्रक्चर है आजू बाजू की बिल्डिंग और घर वो एकदम रियल दिखते हैं। इसमें जो काफ़ी आपको नारियल के पेड़ बहुत सारे दिखेंगे, जैसे कि आपको पता ही होगा कि केरला इज फेमस फॉर कोकोनट ट्री। ऊपर एक फ्लाईओवर ब्रिज है जो ट्रेन के ऊपर से गुजर रहा है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी उसके ऊपर से जा रही हैं। कैसा लग रहा है गाइस ये व्यू देख करके आपको? एकदम रियल वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ। गाइस अब ये हम क्रॉसिंग देखने वाले हैं, ये बैप 7 है, एकदम जबरदस्त एकदम रियल वाली। पता नहीं कौन सी ट्रेन थी गाइस, लेकिन हमें क्रॉसिंग देखने को मिल गया। ओके गाइस, सो ट्रेन टर्न ले रही है, जरा उस तरफ जाना होगा। अब यहाँ पर आए तो फिर ट्रेन वहाँ टर्न ले रही है। अरे देख सकते हैं ट्रेन, ओके सो गाइस हमें ब्रेक लगाना होगा क्योंकि हम अपने स्टेशन के काफ़ी करीब पहुंचने वाले हैं। हमने थोड़ा सा लेट कर दिया एक्चुअली। ट्रेन को बराबर से हमें इस प्लेटफॉर्म पे रोकना होगा। अभी हम लोग आधा ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे ला पाए हैं। ये आंटी जी बहुत देर से ट्रेन का वेट कर रही है, ट्रेन आ गई है तो ये काफी लंबी ट्रेन है गाइस, खत्म ही नहीं हो रही। ये आ गया हमारा एसी कोच। ओ ये तो पेंट्री का है, ये है हमारा एसी कोच। Let's see.
तो गाइस हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा अभी, क्योंकि हम प्लेटफॉर्म पे परफेक्ट पोजीशन में आ गए हैं। और चलिए फिर, ओके, सो हम परफेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म के। और जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी जर्नी जो थी यहीं पर तक की थी, अंगमलाई तक की। तो गाइस आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से कितने लोग अंगमलाई तक अंगमलाई से हैं और वहाँ पर गए हैं? क्योंकि मैं वहाँ पर कभी नहीं गया, तो मुझे जानने की थोड़ी उत्सुकता है कि अंगमलाई किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो अगर आपके सुझाव और कमेंट्स कुछ हो तो फिर ज़रूर मुझे बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।